सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज है सप्ताह का दूसरा दिन यानी मंगलवार। बच्चों क्या आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं? चलो हम उनके नामों का अभ्यास करते हैं। सोमवार सप्ताह का पहला दिन जो कल था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस तरह से बच्चों सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो बच्चों आज है मंगलवार और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। बच्चों हमारी आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अ को चित्रों के माध्यम से। इसके बाद मैं आपको अ लिखना सिखाऊंगी और उसके बाद हम हमारी कविता हाथी का अभ्यास करेंगे। आज के प्रैक्टिस वर्क में बच्चों इंग्लिश में टुडे वी विल राइट ए बी सी डी ई इन अवर इंग्लिश नोटबुक। सो चिल्ड्रन चलो हमारी हिंदी की क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम हमारी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन के माध्यम से स्वर को पढ़ना और पहचानना सीखेंगे। तो हमें हमारी बुक को सबसे पहले ओपन करना है, देखो आप, और पेज नंबर 3 पे आना है। ध्यान से देखेंगे, ये देखो आप, ये है स्वर अ से लेके अ तक। जल्दी से हम इसको बोलने का अभ्यास करते हैं। ये है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। इसके बाद आता है ए, आई, ओ के बाद औ। देखो आप ध्यान से देखो कैसे बोलना है, अंग और अह। इस तरह से हमको स्वर अ से अह को पहचानना सीखना है बच्चों हमारी हिंदी की पुस्तक के माध्यम से। अब हम पेज को टर्न करेंगे और देखेंगे कि अ से कितनी सारी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। देखो आप, ये है अ, अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर, ये डरावना अजगर। तो ये है अ, अ से इतनी सारी चीजें हैं। अ के बाद होता है, क्या आता है अ के बाद? आ। देखो आप, आ से क्या होता है? आ से आग, आ से आटा, आ से आम, आ से आसन और आ से आइसक्रीम। सबको पसंद है आइसक्रीम। अब हम पेज को पलटेंगे, आगे जाएंगे और ये आया छोटी ई। छोटी से इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होते हैं। छोटी से इंद्रधनुष, छोटी से इमली, खट्टी खट्टी इमली, छोटी से इंजन छुक छुक करता हुआ, इंजन जो ट्रेन को खींचता है, और छोटी से इमरती, मीठी मीठी इमरती, सबको पसंद है खानी इमरती। छोटी के बाद है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईद, बड़ी से ईख जिसके रस से चीनी बनती है, और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है। इसके बाद हम पेज को पलटेंगे, आगे चलेंगे। अब क्या आया? छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना। उल्लू क्या करता है? उल्लू उड़ता है। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना, छोटा ऊ से उछल। पिंकी क्या कर रही है? देखो आप, उछल रही है खुशी से। छोटा उसे उतर, बबलू सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। छोटा उसे उतर। छोटा उसे उपवन, उपवन मतलब गार्डन, और छोटा उसे उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा उसे कितनी सारी चीजें हैं आपको पता चल गई ना अभी। अब आया बड़ा ऊ। बड़ा उसे ऊंचा, बड़ा उसे ऊंट जो कि ऊंचा भी होता है। बड़ा उसे ऊपर, ऊंट के ऊपर बैठा है बबलू। देखो आप, बड़ा उसे ऊपर और बड़ा उसे ऊंट जिससे स्वेटर बनता है जो हम सर्दियों में पहनते हैं। अब हम पेज को टर्न करेंगे और स्वर का अगला अक्षर आया ए। कैसे बोलेंगे इसको? ए। ए से एक तारा। इस वाद्य यंत्र में सिर्फ एक तार है इसलिए इसका नाम है एक तारा। ए से एक, वन को हम हिंदी में बोलते हैं एक, और ए से एड़ी, ये सबके पैर में एड़ी होती है। देखो अब आया आई। ये है आई। आई से ऐनक। ऐनक को हम चश्मा भी बोलते हैं, आई से ऐनक। हम वापस से ये अक्षर बोलते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ,
बड़ा उ, ए और आई। मेज को टर्न करते हैं, ये है ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, पानी की छोटी छोटी बूंदे होती हैं, ओस। ओ से ओढ़नी मतलब दुपट्टा, और ओ से ओट मतलब लिप्स। अब बच्चों ये है औ। औ से औजार, औ से औरत, औ से औषधि मतलब दवाई। ये है अंग। अंग से अंगूठा, ये है अंगूठा। अंग से अंगूठा, अंग से अंगूर, अंग से अंकल, और अंकल ने पहनी है अंगूठी। अंग से अंगूठी, और ये है अंगीठी, देखो आप जिसमें कोयला जल रहा है। तो देखो आप अंग से कितनी सारी चीजें हैं। अब ये है अह, जो हम आज लिखना सीखेंगे बच्चों। अह है खाली, बजाओ ताली, जोर से ताली बजानी है। ये है री। री से ऋषि, ऋषि बाबा देखो तपस्या में लीन है, री से ऋषि। अब बच्चों ये वाले हम स्वर के दो अक्षर को मिला के एक शब्द बना जो हम पढ़ेंगे, आओ आओ, आई आई, और उई उई। इस तरह से बच्चों आपको आपकी हिंदी की पुस्तक के माध्यम से स्वर अ से आ को पढ़ना और पहचानना सीखना है। बच्चों आज मैं आपको अह लिखना सिखा रही हूँ। देखो आप, यह स्वर का अगला अक्षर है अह, और अह से कुछ नहीं होता है, अह खाली होता है, ठीक है। तो आप देखो बोर्ड, देखो यहाँ पे ये है आज की डेट, आज है 4 मई 2021। अब हम लिखेंगे अह, जो कि लिखना बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको आपके पेंसिल को इस ऊपर वाली ब्लू लाइन पे रखना है, और यहाँ पे बनाना है अ, और अ बनाना तो अब आप सबको आ गया है। दोनों ब्लू लाइन के बीच में हमको अ बनाना है। यहाँ से स्लीपिंग लाइन बनाई, स्टैंडिंग लाइन बनाई, और छत लगाया। अब छत लगाने के बाद हमको साइड में दो डॉट्स लगानी है, दो बिंदियां लगानी है इस तरह से, और ये बन गया अह। फिर से देखो आप, ऐसे अ लिखा, स्लीपिंग लाइन बनाई और दो बिंदियां बनाई, हो गया अह। और अह खाली होता है, अह से कुछ नहीं होता है। ऐसे सबसे पहले अ लिखा और इसके पास में दो बिंदियां, दो डॉट्स लगा दी ऐसे। अब ये बिंदियां लगानी है हमको, मोटे मोटे गोले नहीं बनाने हैं, सर्कल्स नहीं बनाना है। ये नहीं कि आप इसको ऐसे लिख के ऐसे दो मोटे मोटे सर्कल्स, दिस इज रॉन्ग, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। और लिखा अब यहाँ पे पेंसिल को, पेंसिल को आप थोड़ा सा ऐसे दबाओगे तो डॉट बन जाएगी इस तरह से, ऐसे लिखना है अह। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आप अह कैसे लिखोगे। बच्चों अब बारी है हमें अह नोटबुक में लिखने की, ठीक है। तो देखो अब मैं कैसे लिख के दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आज की डेट लिखनी है, आज है 4 मई 2021, इस तरह से आपको डेट लिखनी है। अब इसके बाद देखो बच्चों, ऐसे आपको अह लिखना है, नोटबुक का पेज ऐसे तैयार होना चाहिए। आपको आपकी पेंसिल को ब्लू लाइन पे रखना है और सबसे पहले अ बनाना है। ऐसे अ बनाया, उस पर छत लगाई, और उसके पास साइड में हमको टू डॉट्स बनानी है, 1 और 2, लाइक दिस। ये टू डॉट्स बनाई और ये बन गया अह। और बोलना है साथ में, अह खाली होता है, अह से कुछ नहीं होता है, ऐसे सुंदर सा। पहले हमने अ बनाया, छत लगाई और साइड में 1 और 2, टू डॉट्स लगा दी। टू डॉट्स लगानी है, मोटे मोटे गोले नहीं बनाने हैं। ऐसे और ये करते करते नीचे आना है और पूरी लाइन में अच्छे से अह लिखना है, सुंदर सुंदर नीटली।
देखो अब ऐसे लिखना है अह, अब मैं सेकेंड लाइन में आ गई हूँ। देखो अ बनाया और इसके पास में दो डॉट्स बना दी, बन गया अह खाली। सबसे पहले अ बनाया, उसके पास में दो डॉट्स लगाई, बन गया अह। तो बच्चों इस तरह से हमको वन पेज अह लिखना है, जैसे मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको। देखो आप ऐसे अ बनाया, उसके साइड में टू डॉट्स लगाई और बन गया अह, ऐसे। और देखो आप ऐसे यूं सर्कल्स नहीं बनाने हैं, ये रॉन्ग है। अ लिखा और इसके पास में ऐसे दो डॉट्स बनाए, बस। तो इस तरह से आपको वन पेज अह लिखना है और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। चलो नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस वर्क, एंड इन प्रैक्टिस वर्क यू हैव टू राइट कैपिटल ए बी सी डी ई इन योर इंग्लिश नोटबुक विच यू ऑल नो हाउ टू राइट, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टुडेज डेट। टुडे इज 4th May 2021. Let's start doing, children. So in the first line we have to write capital A. Leave this margin line. This line is known as margin line. In this line we will not write anything. Let's start. From the red line you have to make two slanting lines till the second blue line, and then you have to make one sleeping line on the blue line, on the first blue line. In this way you have to write capital A and finish the first line like this. See, after A comes B. Put your pencil on the red line and make a standing line. Then you have to make two semicircles like this. In this way you have to write capital B. In one go. Look here children, after B comes C. Put your pencil on the red line and make a semicircle till the second blue line, children. You have to touch the second blue line like this. In this way you have to make capital C like this. So we have finished writing C. Now comes D. For D you have to put your pencil on the red line, the top line. From here you have to make a standing line and then again a semicircle like this. You have to join this semicircle with the standing line. After D comes E. Put your pencil on the red line, the top line, and make a standing line. Then you have to make three sleeping lines on these lines like this. So neatly you have to write capital E. And E says eh, the sound, children. Remember the sound also. A says a, B says b, C says k, D says d, and E says eh. So in this way, you have to finish this practice work by writing capital A, B, C, D, and E. So write it, take its picture and send it to me.
बच्चों अब बारी है हमारी कविता हाथी का अभ्यास करने की एक्शन के साथ। हमेशा हमको कविता कैसे बोलना है, हमेशा खड़े होके कविता बोलना है, अच्छे से एक्शन के साथ स्माइल करके बोलना है बच्चों, और उसके सारे शब्दों को जैसे पोयम में दिया है वैसे ही बोलना है, इधर उधर नहीं करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है हाथी। क्या भारी भरकम है हाथी, बोलो किससे कम है हाथी। है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। इस तरह से बच्चों आपको एक्शन के साथ ये कविता बोलनी है। अब एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। क्या भारी भरकम है हाथी, बोलो किससे कम है हाथी। है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता याद करनी है और एक्शंस को भी याद करना है, और एक्शन के साथ ही आपको ये कविता बोलनी है और इसका वीडियो मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।